हेलो फ्रेंड, मैं आपका जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वेब बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुँच के। आज का अपना टॉपिक है वाइटल साइंस। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे वाइटल साइंस के अंदर है अपन ने कम्प्लीटली जान लिया था टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में बच्चों? टेम्परेचर के बारे में कम्प्लीट जान लिया था। पिछली क्लास के अंदर अपन ने बात की थी जर्नल इंट्रोडक्शन। वे वाइटल साइंस के अंदर वाइटल कंपोनेंट टोटल कितने कंपोनेंट बच्चों? 6 कंपोनेंट। फर्स्ट वन टेम्परेचर, सेकंड वन इज द पल्स रेट, थर्ड वन इज द रेस्पिरेशन रेट, फोर्थ वन इज द ब्लड प्रेशर एंड फिफ्थ वन इज द पेन एंड लास्ट वन इज द O2 सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन। अपन ने फर्स्ट वाइटल कंपोनेंट के बारे में कंप्लीटली जान लिया था टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर होता क्या है, थर्मोजेनेसिस की कंडीशन जाने, थर्मोलाइसिस की कंडीशन जाने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में अपन ने पढ़ा। राइट, साइट मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्रैकिंग टेम्परेचर या असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट में अपने एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में पढ़ा। एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर फीवर के बारे में पढ़ा, कौन कौन से टाइप्स का फीवर होता है पिछली क्लासेस के अंदर अपन ने कम्प्लीटली जान लिया था। आज की क्लास के अंदर अपन सेकंड वाइटल साइंस, सेकंड मोस्ट कॉमन वाइटल साइंस की बात करने वाले हैं बच्चों। पल्स कौन से होगी बच्चों? पल्स अपन शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले पल्स, इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन वाइटल साइन। यदि बात करके चले बच्चों डेफिनेशन ऑफ पल्स, पल्स की डेफिनेशन की यदि बात कर ले जाए, रेदेमिक एक्सपेंशन एंड रेदेमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉलिंग ऑफ आर्टरी बाय द वेव ऑफ ब्लड थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। यदि बात करके चले बच्चों किस चीज की बच्चों अपन बात करें, सेकंड वाइटल साइन कौन सा बच्चों? पल्स। सेकंड वाइटल साइन कौन होगा? पल्स। यदि बात कर ली जाए पल्स की डेफिनेशन क्या होगी? रेदिमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉलिंग ऑफ आर्टरी। आर्टरी का क्या होना बच्चों? रेदिमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉलिंग होना बाय द वेव, किसकी वेव से बच्चों? बाय द वेव ऑफ ब्लड थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जब जब क्या होगा बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या प्रेजेंट होगी? वेव ऑफ ब्लड। क्या प्रेजेंट होगी बच्चों? वेव ऑफ ब्लड। और उसी टाइम क्या देखने को मिलेगा बच्चों? रेदिमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉलिंग ऑफ ए आर्टरी। आर्टरी का क्या देखने को मिलेगा? रेदिमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉलिंग, एक्सपेंशन एंड रिकॉलिंग देखने को मिलेगा, उसी को क्या बोला जाता है? पल्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज पल्स। यदि बात कर ली जाए बच्चों साइट, पल्स की साइट की बात करके चले, वेहर आर्टरी across the bone near the surface of skin
ऑफ चेन। यदि बात करके चले बच्चों, अपन बात कर रहे साइड की कहां पर देखने को मिलेगी, साइड पल्स कहां पर फील हो सकती है, ऐसे की जा सकती है वेहर आर्टरी, जहां से क्या होगी आर्टरी एक्रोस करेगी बच्चों किसको, बोन को, किसको बच्चों बोन को एक्रोस करेगी नियर द सरफेस ऑफ स्किन, कहां पर नियर द सरफेस ऑफ ए स्किन, वहां पर क्या देखने को मिलेगा बच्चों पल्स को क्या किया जा सकता है इजिली एसेस किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है बच्चों पल्स को इजिली एसेस किया जा सकता है। नेक्स्ट वन यूज थ्री फिंगर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए एसेसमेंट पल्स, पल्स को एसेस करते टाइम कितनी फिंगर्स का यूज करना चाहिए बच्चों थ्री फिंगर्स, कितनी फिंगर्स थ्री फिंगर्स, बिकॉज थ्री करेक्टरिस्टिक्स विल बी प्रेजेंट इन द पल्स, पल्स के अंदर कितनी करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है थ्री करेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन इज द रेट, सेकंड वन इज द रिदम एंड थर्ड वन इज द वॉल्यूम। तो जान लेते हैं वन बाय वन, व्हेन एसेस द पल्स देन यूज थ्री फिंगर्स, व्हेन एसेस द पल्स the pulse then hello friends kya hoga when assess the pulse then use three fingers use three fingers because three characteristics because three characteristics will be present in the pulse will be present इन द पल्स। यदि बात करके चले बच्चों क्या करना है एसेस करने के लिए किसको, पल्स को एसेस करने के लिए कितनी फिंगर्स का यूज करके चलना है बच्चों थ्री फिंगर्स, कितनी फिंगर्स थ्री फिंगर्स। यदि बात कर ली जाए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्या प्रेजेंट होती है थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी प्रेजेंट इन द पल्स, पल्स के अंदर कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है बच्चों थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं रेट, यदि वन बाय वन बात करके चले फर्स्ट वन रेट, सेकेंड वन इज रिदम एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम, थर्ड वन इज वॉल्यूम। यदि वन बाय वन बात करके चले बच्चों फर्स्ट वन अपन जानेंगे रेट, सेकंड वन अपन रिदम, थर्ड वन इज द वॉल्यूम। तीनों के तीनों करेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों पल्स की, किसकी करेक्टरिस्टिक्स है बच्चों पल्स की करेक्टरिस्टिक है जिसको एसेस किया जा सकता है थ्री फिंगर्स, थ्री फिंगर्स थ्री फिंगर्स। फर्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं रेट, फर्स्ट वन इज रेट नंबर ऑफ यदि बात करके चले रेट क्या होगा बच्चों नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और बीट by left ventricle in a minute। यदि बात करके चले बच्चों किसकी बात कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं रेट, रेट के अंदर यदि बात कर ली जाए क्या देखने को मिलेगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ बीट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर यदि बात कर ली जाए जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वे कितने टाइम क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा या कितनी बीट प्रोड्यूस करेगा उसके बारे में यदि बात कर ली जाए। नॉर्मल कितनी होती है बच्चों, एक अडल्ट के अंदर यदि बात कर ले जाए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन
या अपन बोल सकते हैं बेट बेट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इन आमेंट, इन आ मेन, इन आमेन 60 to 100 बीट पर मिनट, 100 बीट पर मिनट। अपने बात किसके अंदर की बच्चों, अडल्ट पर्सन, अडल्ट पर्सन के अंदर यदि बात करके चले, वन मिनट के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वह कॉन्ट्रेक्शन या अपन बीट की बात कर ले जाए कितनी देखने को मिलेंगी, 60 to 100 बीट पर मिनट। यदि एक एवरेज की बात कर ली जाए बच्चों तो 72 बीट पर मिनट। यदि नेक्स्ट में अपन बात करके चले बच्चों, यदि बात कर ली जाए इन्फेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे या बीट होगी वह कितनी देखने को मिलेगी, एक मिनट के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वह कितने टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा या कितनी बीट प्रोड्यूस करेगा वन मिनट के अंदर। किसके अंदर बच्चों, इन्फेंट के अंदर यदि बात कर ली जाए, फर्स्ट वन इज द इन्फेंट, इन्फेंट यदि सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इन्फेंट कौन सा पीरियड होगा, 0 to 1 ईयर, 0 to 1 ईयर यदि बात कर ली जाए, मोस्ट कॉमन 28 days to 1 ईयर। यदि बात करके चले बच्चों बिफोर 28 days इट इज ऑल्सो नोन एज नियोनेट, क्या बच्चों, नियोनेट। यदि बात करके चले बच्चों इन्फेंट के पीरियड के दौरान क्या होगा जो पल्स रेट होगी वह कितनी देखने को मिलेगी, 80 to 140 बीट पर मिनट, 80 to 140 बीट पर मिनट। सेकेंड में अपन बात कर लेते हैं टोटलर एज की, कौन सी एज की बात कर लेते हैं बच्चों, टोटलर एज, टोटलर एज यदि बात कर ली जाए, टोटलर एज 1 to 3 ईयर एज। यदि टोटलर एज के दौरान बात कर ली जाए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टोटलर एज, देन पल्स रेट विल बी 80 to 130 बीट पर मिनट, 80 to 130 बीट पर मिनट। क्या होगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन होंगी या बीट प्रेजेंट होंगी वन मिनट के अंदर बाय लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं प्री स्कूलर एज, प्री स्कूलिंग एज या प्री स्कूलर एज की बात कर ली जाए बच्चों, प्री स्कूलिंग एज यदि बात करके चले, प्री स्कूलिंग एज की यदि बात कर ली जाए, 3 to 6 ईयर टाइम पीरियड यदि बात करके चले, इस दौरान पल्स रेट कितनी होंगी बच्चों, 80 to 120 बीट पर मिनट, 80 to 120 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले स्कूलिंग एज, किस कौन सी एज के बच्चों, स्कूलिंग एज, स्कूलिंग एज 6 to 12 ईयर, 6 to 12 ईयर तो 6 to 12 ईयर के दौरान जो हार्ट बीट होगी कॉन्ट्रैक्शन होंगी वह कितनी होंगी बच्चों, 70 to 110 बीट पर मिनट, 70 to 110 बीट पर मिनट। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले एडोलेसेंट, एडोलेसेंट एज के अंदर यदि बात कर ले जाए, 12 to 18 ईयर के दौरान यदि बात करके चले बच्चों पल्स रेट या हार्ट रेट की अपन बात कर ली जाए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की यदि बात कर ली जाए, 60 to 100 बीट पर मिनट, सेम एज एज अडल्ट, किसके जैसे बच्चों, सेम एज जितनी अडल्ट के अंदर देखने को मिलती है सेम एज एडोलेसेंट एज के अंदर उतनी ही हार्ट बीट या पल्स रेट प्रेजेंट होती है एडोलेसेंट एज के अंदर। सबसे पहले अपन ने बात की बच्चों रेट, किसकी बात की बच्चों रेट, अपन क्या पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स के अंदर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रेट, रेट क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या बीट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, किसके द्वारा बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या नंबर ऑफ बीट अपन बोल सकते हैं इन आमेंट, कितने टाइम पीरियड के अंदर, ओनली एंड ओनली इन आमेंट। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन,
या बेट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन आमेंट, जिसके अंदर सबसे पहले बात की अडल्ट पर्सन के अंदर बच्चों 60 to 100 beats पर मिनट, 72 beats पर मिनट। यदि एवरेज यूएस किसकी बात कर ली जाए बच्चों, एवरेज की बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिलेगा, 72 beats पर मिनट। नेक्स्ट में अपने बात की इन्फेंट, किसकी बात की बच्चों, इन्फेंट की बात की, इन्फेंट के अंदर 0 to 1 year के अंदर यदि बात कर ली जाए टू पार्ट में, यदि सबसे पहले बात कर ली जाए 28 days तक की बात करके चले बच्चों, न्यूनेट के अंदर भी टू पार्ट, अर्ली न्यूनेट एंड लेट न्यूनेट, 0 to 7 days का भी होगा, न्यूबॉर्न बेबी होगा उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, अर्ली न्यूनेट एंड 7 to 28 days लेट न्यूनेट। नहीं भी बात करके चले इन्फेंट के अंदर जो हार्ट रेट होगी, पल्स रेट होगी या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होंगे, नंबर ऑफ बीट होगी कितनी होगी बच्चों, 80 to 140 beats पर मिनट। सेकेंड में अपने बात की टोटलर एज के दौरान 80 to 130 beats पर मिनट। नेक्स्ट में अपने बात की प्री स्कूलिंग एज के अंदर 80 to 120 beats पर मिनट, 3 to 6 year। नेक्स्ट में स्कूलिंग एज के दौरान यदि बात कर ली जाए 70 to 110 beats पर मिनट। नेक्स्ट में अपने बात की एडोलेसेंट एज के अंदर 12 to 18 year 60 to 100 beats पर मिनट। एंड लास्ट में अपने बात की सेम एज होगी एडोलेसेंट में अडल्ट पर्सन के अंदर। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं रिदम क्या होगा बच्चों, रेगुलरिटी इन हार्ट बीट क्या होनी चाहिए बच्चों, रेगुलरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए हार्ट बीट के अंदर, तभी क्या होगी नॉर्मल रिदम। क्या होगी बच्चों, नॉर्मल रिदम। रिदम भी क्या है बच्चों, एक प्रकार से करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, पल्स की। किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, पल्स की करेक्टरिस्टिक्स है, इज द रिदम। सेकेंड वन इज रिदम की बात कर ली जाए, रेगुलरिटी इन हार्ट बीट या अपन बोल सकते हैं इन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होनी चाहिए बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन व बीट के अंदर क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, उसी को क्या बोला जाएगा रिदम। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, थर्ड वन इज टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड, इजेक्ट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन कॉन्ट्रैक्शन। यदि बात करके चले बच्चों वॉल्यूम के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड क्या होगा, इजेक्ट होगा किसके द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा इन वन कॉन्ट्रैक्शन, ना कि वन मिनट। अपन ने बात किया वन कॉन्ट्रैक्शन ओनली वन कॉन्ट्रैक्शन की बात किया, इसी को क्या बोला जाएगा बच्चों, it is also known as stroke volume। यदि बात करके चले बच्चों ओनली क्या होगा वन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यह देखना होगा कितना इजेक्ट हो रहा है, कितने अमाउंट में ब्लड इजेक्ट हो रहा है, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, कहां से बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और इसी को क्या बोला जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल 70 ml कितनी बच्चों, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम एज 70 ml। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं कार्डियक आउटपुट, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, कार्डियक आउटपुट
पहले अपन ने बात की रेट, रेट के अंदर अपन ने जाना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और नंबर ऑफ बिट इन आ मिनट, एक मिनट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कितने टाइम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वह साथ के साथ अपन ने बात की। हेलो फ्रेंड्स, अपने बात के नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या नंबर ऑफ बिट इन आ मिनट, इन आ मिनट क्या होगा बच्चों, रेट क्या होगा बच्चों, रेट अपने अलग अलग एज के अंदर बात की, अपने अडल्ट के अंदर बात करके चले, इन्फेंट के अंदर अपने बात की, टोटलर एज के अंदर बात की, प्री स्कूलर एज के बात की, स्कूलिंग एज के अंदर अपने बात करके चले। नेक्स्ट अपने बात की रिदम, किसकी बात की बच्चों, रिदम की बात की, रिदम के अंदर रेगुलरिटी इन हार्ट बीट एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होने चाहिए, या तो अपन बोल सकते बच्चों हार्ट बीट, या बोल सकते हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होने चाहिए, रेगुलरिटी क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, उसी को क्या बोला जाएगा, रिदम, क्या बोला जाएगा बच्चों, रिदम। नेक्स्ट अपने बात की वॉल्यूम, किसकी बात की बच्चों, वॉल्यूम अपन किसकी बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, किसके द्वारा बच्चों, टोटल जितना ब्लड क्या किया जाएगा, इजेक्ट किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, किसके द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा, इन आ मिनट या इन वन कॉन्ट्रैक्शन ओनली एंड ओनली अपन बात कर रहे हैं यहां पर कॉन्ट्रैक्शन, यदि बात कर लेते मिनट की बात कर लेते तो क्या होता, कार्डियक आउटपुट, क्या होता बच्चों, कार्डियक आउटपुट, बट अपन बात करें इन वन कॉन्ट्रैक्शन तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या बोला जाएगा बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम, यदि बात कर ली जाए नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा, 70 ml। नेक्स्ट अपन बात कर लेते कार्डियक आउटपुट क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटो हार्ट रेट। तो बात कर लेते हैं टोटल वन मिनट के अंदर कार्डियक आउटपुट कितना होगा, कार्डियक आउटपुट यदि बात करके चले बच्चों, कार्डियक आउटपुट किसके अंदर, अडल्ट पर्सन कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट या बोल सकते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी बच्चों, 70 ml, कितनी बच्चों 70 ml इंटो हार्ट रेट या हार्ट कॉन्ट्रैक्शन विद इन ए मिनट, एक मिनट के अंदर नॉर्मल एवरेज की बात की थी बच्चों 72 हार्ट बीट, यदि दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो कितना आएगा बच्चों 5040 ml क्या आएगा बच्चों, कार्डियक आउटपुट इन आ मिनट इन अडल्ट पर्सन, कौन से पर्सन के अंदर, अडल्ट पर्सन के अंदर यदि बात कर ली जाए कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट या अपन बोल सकते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यदि बात कर ली जाए 70 ml इंटू 72 5040 ml, यदि बात कर ली जाए टोटल कार्डियक आउटपुट का कौन कौन सा बॉडी पार्ट कितना परसेंटेज ब्लड इनटेक करता है तो अपन बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा कौन करेगा बच्चों, लीवर, उसके बाद किडनी, नेक्स्ट वन अपन बात कर ली जाए किडनी के बाद ब्रेन एंड लास्ट वन हार्ट, यदि बात करके चले यूट्रस, किसकी बात कर ली जाए, यूट्रस भी क्या करता है, ब्लड इनटेक करता है, यदि प्रेग्नेंट व नॉन प्रेग्नेंट दोनों की बात करके चलेंगे बच्चों तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा कौन करेगा बच्चों, लीवर, कौन बच्चों, लीवर की यदि बात कर ली जाए टोटल 1500 ml क्या करेगा, ब्लड इनटेक करेगा टोटल कार्डियक आउटपुट का। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए बच्चों किडनी, किसकी बात कर ली जाए, किडनी की यदि बात कर ली जाए अपन बोल सकते हैं रेनल किडनी या रेनल की बात कर ली जाए तो टोटल कार्डियक आउटपुट का कितना इनटेक करेगी बच्चों 1250 ml 1215
ML, नेक्स्ट में यदि अपन बात करके चले बच्चों थायरवाइन, यदि बात कर ली जाए किडनी के बाद ब्रेन कौन सा पार्ट आएगा बच्चों, ब्रेन, ब्रेन की यदि बात कर ली जाए 800 ml इनटेक ऑफ इट टोटल कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले ब्रेन के बाद हार्ट, जिसकी बात कर ली जाए बच्चों हार्ट, हार्ट इज इक्वल टू 450 ml इनटेक ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। अपन ने बात की बच्चों सबसे पहले कार्डियक आउटपुट, जिसकी बात की कार्डियक आउटपुट, यदि कार्डियक आउटपुट की बात कर ली जाए अडल्ट पर्सन, कौन से पर्सन के अंदर है, अडल्ट पर्सन के अंदर है, तो क्या होगा कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाएगा बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटो हार्ट रेट, या अपन बोल सकते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्शन 70 ml into 72 540 ml क्या आएगा बच्चों टोटल कार्डियक आउटपुट इन आ मिनट। नेक्स्ट में अपने बात की बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की बात करके चले, जो क्या करेंगे इंटेक करेंगे बच्चों कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट से क्या करेंगे इंटेक करेंगे, सबसे पहले लीवर, फर्स्ट वन इज द लीवर 1500 ml, सेकेंड वन इज द किडनी, आप बोल सकते हैं रेनल 1250 ml क्या करेगी बच्चों टोटल इंटेक करेगा। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए ब्रेन, किसकी बात कर ली जाए ब्रेन 800 ml। नेक्स्ट वन हार्ट, हार्ट की यदि बात कर ली जाए 450 ml। यदि बात कर ली जाए बच्चों नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस 70 ml कितना लेगा बच्चों, कितना इंटेक करेगा 70 ml। यदि बात करके चले प्रेग्नेंट यूट्रस, किसकी बच्चों प्रेग्नेंट यूट्रस 700 ml। यदि बात कर ली जाए नॉन प्रेग्नेंट की तो बच्चों 70 ml, यदि बात करके चले प्रेग्नेंट 700 ml। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं बच्चों क्वालिटी या एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स, पल्स के अंदर कौन कौन से टाइप की क्वालिटी प्रेजेंट होगे, बात कर लेते हैं वन बाय वन क्वालिटी या एम्पलीट्यूड, सभी बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा मे बी, यस गुड। नेक्स्ट वन क्वालिटी या अपन बोल सकते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स, यदि बात कर ली जाए बच्चों क्वालिटी या एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स की यदि बात करके चले तो सबसे पहले यदि नंबरिंग के अनुसार बात कर ली जाए जीरो, किसकी बात कर ली जाए बच्चों जीरो, जीरो पे क्या देखने को मिलेगा पल्स अब्सेंट देखने को मिलेंगे, अब्सेंट क्या होगी बच्चों अब्सेंट। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए वन पल्स, वन प्लस के अंदर कौन सी कंडीशन देखी जाएगी बच्चों स्टॉप की कंडीशन, कौन सी कंडीशन बच्चों स्टॉप कंडीशन। नेक्स्ट में यदि अपन बात कर ली जाए वन पर क्या देखा जाएगा बच्चों स्टॉप, सेकेंड वन यदि टू प्लस की यदि बात कर ली जाए डिहाइड्रेशन या अपन इसको बोल सकते हैं बच्चों हाइपोवोल्यूमिया। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों थ्री प्लस के अंदर क्या होगा नॉर्मल, क्या होगी बच्चों नॉर्मल। नेक्स्ट वन यदि बात कर ले जाए फोर प्लस के अंदर हाइपर वोल्यूमिया।
अभी तक अपन ने बात की, अपन बात करें क्वालिटी या एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स, किसकी बात करें बच्चों, क्वालिटी या एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स है, तो सबसे पहले अपन ने जाना जीरो। नंबरिंग क्या दी है बच्चों, जीरो, जीरो के अंदर क्या मिलेगी, पल्स एब्सेंट मिलेगी। नेक्स्ट वन कौन सी कंडीशन होगी, एब्सेंट होगी। एब्सेंट के अंदर बात करके चलेंगे, नेक्स्ट वन कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी पेशेंट के अंदर। सेकेंड वन अपन ने बात की वन प्लस, वन प्लस की बात की, वन प्लस के अंदर यदि बात कर ली जाए कौन से पेशेंट को, स्ट्रोक वाले पेशेंट को, कौन से पेशेंट को रखा जाएगा बच्चों, स्ट्रोक वाले कंडीशन पर्सन क्या रखा जाएगा, रखा जाएगा टू प्लस की कैटेगरी के अंदर कौन से पर्सन को बच्चों, कौन से क्लाइंट को, कौन से पेशेंट को, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन या हाइपोवोल्यूमिक, या हाइपोवोल्यूमिया उसके अंदर। नेक्स्ट वन थ्री प्लस, नेक्स्ट वन थ्री प्लस की कैटेगरी के अंदर यदि बात कर ली जाए नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन को रखा जाएगा। फोर प्लस, फोर प्लस के अंदर हाइपर वोल्यूमिया, हाइपर है वोल्यूमिया। यदि बात करके चले बच्चों जीरो के अंदर, जीरो के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डेथ, क्या देखने को मिलेगी बच्चों, डेथ देखने को मिलेगी पेशेंट के, क्या देखने को मिलेगी, डेथ। डेथ क्यों होगी बच्चों, उसके अंदर क्या है बच्चों, पल्स बिल्कुल क्या है, एब्सेंट है, क्या है बच्चों, पल्स विल बी एब्सेंट। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए स्टॉक, किस कौन से केस के अंदर, स्टॉक के केस के अंदर यदि पल्स की बात कर ली जाए कैसी पल्स फील होगी, थेड़ी पल्स, थेड़ी पल्स। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए डिहाइड्रेशन या हाइपोवोल्यूमिया, डिहाइड्रेशन या हाइपोवोल्यूमिया की कंडीशन के अंदर यदि बच्चों बात कर ली जाए कैसी पल्स फील होंगी, वीक पल्स, वीक पल्स। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए थ्री प्लस कैटेगरी के अंदर नॉर्मल, तो कैसी पल्स, नॉर्मल पल्स फील। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए बच्चों फोर प्लस हाइपरवोल्यूमिया, हाइपरवोल्यूमिया के अंदर बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग, बाउंडिंग पल्स, कैसी पल्स फील होंगी बच्चों, बाउंडिंग पल्स। सबसे पहले जीरो, जीरो के अंदर एब्सेंट, एब्सेंट के अंदर डेथ देखने को मिलेगी। सेकेंड वन इज वन प्लस शॉक, वन प्लस के अंदर शॉक होगा, शॉक के अंदर थेड़ी पल्स। सेकेंड वन टू प्लस, टू प्लस डिहाइड्रेशन या हाइपोवोल्यूमिया, वीक पल्स। नेक्स्ट वन थ्री नॉर्मल, नॉर्मल पल्स होंगी बच्चों थ्री प्लस कैटेगरी वाले क्लाइंट के अंदर। नेक्स्ट वन फोर प्लस, फोर प्लस के अंदर हाइपर वॉल्यूमिया और बाउंडिंग पल्स, हाइपर वॉल्यूमिया और बाउंडिंग पल्स। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं साइट, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट साइट की बात कर लेते हैं, जहां जहां से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, एसेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, एसेस कर सकते हैं पल्स को, किसको बच्चों, पल्स को एसेस कर सकते हैं। कॉमन साइट फॉर पल्स टेकिंग, कॉमन साइट फॉर पल्स टेकिंग, वन बाय वन अपन बात करके चलेंगे बच्चों।